एक समय पर ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले व्यक्ति जिनका नाम था माइक लिंच, अब था क्योंकि इसलिए एक्चुअली माइक लिंच अमेरिका के एक 11 बिलियन डॉलर के धोखाधड़ी के केस से बरे हो चुके थे, जिसकी खुशियां मनाने के लिए वो नॉर्दर्न सिलिसी सी की तरफ जाते हैं। लेकिन उनकी ये खुशियां जल्द ही दुख में बदलने वाली थी, क्योंकि जिस दिन वो सिलिसी सी में थे उस दिन उस सी में तूफान आ जाता है, जिसके चलते माइक की नाव डूब जाती है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि बाइसेन याच को इस तरह से बनाया गया था कि वो डूब ही नहीं सकती, इसलिए इसके डूबने के केस को नॉर्मल नहीं कहा गया बल्कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। वेल, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शिप्स और बोट्स को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये याच क्या होता है तो चलिए ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली याच एक सेल बोट या फिर मोटर से चलने वाली एक वाटर क्राफ्ट होती है। वैसे याच की कोई अलग से डेफिनेशन तो नहीं है, इसलिए इसे आप एक तरह के नॉर्मल बोट भी समझ सकते हैं। इनकी लंबाई करीब 10 मीटर तक होती है और वजन करीब 5 टन तक होता है। और वहीं एक कमर्शियल याच की लंबाई करीब 24 मीटर तक होती है और वजन करीब 20,000 किलो तक होता है। इन याचिस को लोग छुट्टियां मनाने के लिए या फिर समुद्रों में घूमने के लिए रेंट पर लेते हैं, जिसमें करीब 12 पैसेंजर्स आ सकते हैं। और इन याचिस को कई कंट्रीज जैसे कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब में यूज किया जाता है, और लोग इनको रेंट पर भी लेते हैं ताकि समुद्रों में घूम सके। इनको बनाने के लिए फाइबर ग्लासेस का यूज किया जाता है और इनको पानी में चलाने के लिए सेल्स या फिर मोटर्स का यूज किया जाता है। अब सेल्स के थ्रू ये याचिस हवा के बहाव से आगे बढ़ सकती है और मोटर्स की वजह से प्रोपल्शन से ये आगे बढ़ सकती है। अगर इनके रेंट की बात करें तो इन याचिस का एक हफ्ते का रेंट करीब 10,000 बिलियन डॉलर यानी इंडियन रुपीज में करीब 8 लाख रुपए तक होता है। लेकिन इनके महंगे होने का कारण है कि ये बोट बहुत ही लग्जरी और सेफ होती है, जिनके जरिए आप सही सलामत समुद्र की सैर कर सकते हैं और सही सलामत वापस भी आ सकते हैं। वेल, यही सोच के माइक लिंच उस दिन सिलिसी सी की तरफ निकले थे। उनका प्लान था कि कुछ दिनों की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सही सलामत वापस आ जाएंगे, और फिलहाल तो वैसा ही चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। 19 अगस्त, मेडिटेरियन सी के पास मौजूद सिलिसी आइलैंड के पास एक बहुत ही भयानक तूफान आता है, जिसकी स्पीड करीब 25 माइल्स पर आवर थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इस फुटेज के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना भयानक था, कि इसकी स्पीड से फर्नीचर भी उड़ गए थे। उस तूफान के आसपास के मौजूद मछुआरों को आसमान में एक टोर्नेडो यानी एक भवंडर देखने को मिलता है। करीब 70 साल के एक अंकल को आसमान में बिजली कड़कते हुए दिखाई देती है। इस तूफान के गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, और लोगों को पानी में कुछ दूरी पर कोई चीज दिखाई देती है जो धीरे धीरे पानी में समा रही थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी बोट पानी में डूबती जा रही है, और ये वही बोट थी जिसमें माइक लिंच और उनकी फैमिली सवार थी। अब ये सभी लोग उस याच से कुछ ही दूरी पर थे, तो वो लोग पानी में देखने जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, और जब तक वो मछुआरे याच के पास पहुंचते हैं तब तक वो याच डूब चुकी थी और उन्हें पानी में सिर्फ लकड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। इस याच में टोटल 22 लोग सवार थे जो सभी पानी में डूब चुके थे। अब इस याच के डूबने के बाद याच और याच पर मौजूद लोगों की डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए इटालियन रेस्क्यूअर्स और एक्सपर्ट एक मिशन को शुरू करते हैं, और कई समय तक ढूंढने के बाद ये पता लगता है कि उन 22 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें शामिल थे जाने माने बिजनेसमैन माइक लिंच, उनकी 18 साल की बेटी हना लिंच, मॉर्गन स्टैनली बैंक के अध्यक्ष जोनाथन ब्लूमरॉन, एक लॉयर क्रिस मैडविलो और उनकी वाइफ लीडा। वहीं दूसरी तरफ इटालियन इन्वेस्टिगेटर इस बात की जांच कर रहे हैं कि याच के कैप्टन जेम्स कटवील के सही ढंग से याच को ना चलाने की वजह से या फिर उनकी लापरवाही की वजह से वो याच डूब गई। अब यहाँ कैप्टन जेम्स के बारे में भी मैं ये बता दूं कि वो न्यूजीलैंड के एक वेटरन सेलर रह चुके हैं, यानी उनको नाव चलाने का काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ने जेम्स को अपनी कस्टडी में ले रखा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को जेम्स पर शक है। वहाँ याच पर डेड बॉडीज की सर्चिंग अभी भी जारी थी और रेस्क्यूअर्स को 22 लोगों में से सिर्फ 15 लोग ही जिंदा मिलते हैं, जिसमें शामिल थे याच के कैप्टन जेम्स कटफील्ड, याच के कुक रिकार्डो थॉमस, माइक लिंच की वाइफ और बाकी के लोग। इस घटना के बाद सभी लोग सदमे में थे। माइक लिंच की वाइफ अपने बयान में बताती हैं कि उन्हें बहुत दुख है और वो अभी सदमे में हैं। जांच दल का ध्यान अभी भी कैप्टन जेम्स कटफील्ड पर था। उनका कहना था कि कैप्टन जेम्स कटफील्ड बड़े ही चालाकी से उस इंसिडेंट से बच निकले, इसलिए शक की सुई जेम्स कटफील्ड पर ही जा रही थी। अब यहाँ जेम्स कटफील्ड अपने बयान में कहते हैं कि उन्हें वो तूफान आता हुआ दिखाई ही नहीं दिया,
इसलिए वो तूफान से उस याच को बचा नहीं सके। लेकिन यहाँ इस याच के केस में कुछ गलतियां तो हुई थी, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के बाद सिलिसिया में तेज हवा और बारिश के आने के अनुमान थे। बाइसियन बनाने वाली कंपनी के प्रमुख जियोवानी ने कैप्टन कटफील्ड को ये बताया था कि उन्हें यकीन है कि सिलिसी पर कोई ऐसा भयानक तूफान आ सकता है और जहाज के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जहाज पर और भी कई गलतियां की गई थी। उन्होंने कहा कि याच का एक हैच खुला रह गया था और शायद नाव का एक एंट्री गेट भी खुला रह गया था, जिसकी वजह से तूफान के चलते नाव के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया होगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो नाव को डूबने से बचाने के लिए बहुत जरूरी थी। तूफान से पहले ही कैप्टन और उनके क्रू को नाव के हर छेद को बंद कर देना चाहिए था, एंकर को उठा देना चाहिए था और कील को नीचे की तरफ कर देना चाहिए था। कील एक बड़ा सा पंख जैसा हिस्सा होता है जो नाव के अंदर से बाहर निकला होता है, जो हवा को नाव से तिरछी दिशा में उड़ने से रोकता है और नाव को सीधा रखकर गिट्टी को पकड़ कर रखता है। इसलिए इनका इस्तेमाल हर शिप्स और याचिस में किया जाता है। लेकिन अगर कैप्टन जेम्स ने अपनी याच पर ये सारी बातें ध्यान में रखी होती तो शायद वो याच डूबने से बच सकती थी। रेस्क्यूअर्स को बाइसियन याच जब पानी के 50 मीटर की गहराई में मिली तो उन्होंने देखा कि याच की कील नीचे होने की जगह पर ऊपर की तरफ उठी हुई थी। यानी शायद यहाँ ये सोचने का मतलब बनता है कि यहाँ पर गलती कैप्टन जेम्स की ही थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 100 किलोमीटर पर आवर का तूफान भी उस याच को पलटने के लिए काफी था, और जिस दिन वो याच सिलिसी सी में मौजूद थी उस दिन का तूफान और भी ज्यादा भयानक था। मिस्टर कॉन्स्टेंटिनो नाम के एक अध्यक्ष ने कहा कि बाइसियन याच अपनी स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और अपनी हाई परफॉर्मेंस के कारण इसे अन्य कई जहाजों के लिए एक मॉडल के तौर पर बनाया गया था और इसमें कोई भी समस्या नहीं थी, और अगर याच में पानी नहीं जाता तो इसके डूबने के कोई भी सार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नाव के डूबने वाले दिन यानी 19 अगस्त को करीब 4 बजे नाव की बिजली चली गई थी और GPS भी लॉस्ट हो गया था, जिसके कारण कैप्टन जेम्स को वो तूफान दिखाई ही नहीं दिया और 16 मिनट के अंदर वो नाव डूब गई। रीनो कसलीली जो सिलिसी के एक टॉप शिप सर्वेयर है, उन्होंने कहा कि उस खराब मौसम की वजह से वो याच पानी में संभल न सकी और पानी में डूब गई। लेकिन अगर याच के क्रू को उस तूफान की जानकारी मिल चुकी थी तो उस रात बारी बारी से हर एक क्रू को उस तूफान की जानकारी लेनी चाहिए थी। और इसको लेकर प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि उस रात याच पर एक इंसान कॉकपिट पर निगरानी में था। अब इस पूरी जांच में समुन्द्र की इतनी गहराई से उन डेड बॉडीज को ढूंढना और उन्हें बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। हर एक डाइवर को पानी के 50 मीटर की गहराई में करीब 10 मिनट तक जांच करनी पड़ी थी, जिसमें 122 डाइवर्स की टीम लगी और कुछ रिमोट कंट्रोल व्हीकल ने भी यहां पर इनकी मदद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेस्क्यूअर्स ने बताया कि याच के डूबते समय याच पर मौजूद लोगों ने याच के बाईं ओर के कैबिन में खुद को बचाने की कोशिश की थी और उन्हें कुछ लाशें उसी बाईं ओर के कैबिन में मिली और एक आखिरी लाश तीसरे कैबिन के लेफ्ट साइड में मिली, जो लाश माइक की बेटी हेना लिंच की थी। इन लाशों के पास पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। याच के टूटे हुए टुकड़े पानी में उनके बीच में आ रहे थे। सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रेस्क्यूअर्स का कहना है कि सभी बॉडी पानी से बाहर निकाल ली गई है। लेकिन अभी इस बाइसियन याच के डूबने की मिस्ट्री को सॉल्व करना बाकी है। जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा था उस हॉस्पिटल में मीडिया और पत्रकारों का जाना बिल्कुल मना है और मीडिया को हॉस्पिटल से वापस भेज दिया जा रहा है। बाइसियन की मिस्ट्री को सुलझाना ना सिर्फ उन पीड़ित परिवारों के लिए जरूरी होगा, बल्कि ये मरीन एक्सपीडिशन और सी एक्सप्लोरेशन की सेफ्टी और सावधानियों को आगे रखने का काम करेगा। कैप्टन कटफील्ड के भाई कहते हैं कि वो एक जाने माने और रिस्पेक्टेड सेलर हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन नावों को चलाने में ही गुजारी है, इसलिए उन्हें इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। तो कैप्टन जेम्स पर बिना किसी ऑफिशियल डेटा के इस तरह यूं सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। और अभी भी इस इंसिडेंट को लेकर बहुत सी न्यूज सामने आ रही है, जैसे कि अभी रिसेंट की ही न्यूज है कि बाइसियन के दो और क्रू को इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है, जो है शिप के इंजीनियर पार्कर ईटन और एक सेलर मैथ्यू ग्रिफिट। और ये बाइसियन इंसिडेंट सच में कोई इंसिडेंट था या फिर साजिश? वेल, इसके बारे में बिना ऑफिशियल डेटा के ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ और ना ही मीडिया, क्योंकि पड़ताल अभी भी चालू है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस लाता रहूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।